आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वो प्लगइन्स जिनको यूज करते हुए आप किसी भी तरह के फॉर्म्स बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वो प्लगइन्स जिनको यूज करते हुए आप किसी भी तरह के फॉर्म्स बना सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, साइन अप फॉर्म्स, किसी भी तरह के फॉर्म्स अगर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन स्पेसिफिक प्लगइन्स के अबाउट बताऊंगा जो कि मोर देन इनफ होंगे। अगर आप उन्हीं को सीख लें तो आप सब तरह के फॉर्म बना सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखेंगे कि वो कौन कौन से फॉर्म्स हैं। तो बेसिकली हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे तीन मेजर प्लगइन्स हैं जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, WP फॉर्म्स है और वन ऑफ माय फेवरेट प्लगइन इज फॉर्मिनेटर। यहाँ पे देखें जो है वो WP फॉर्म्स जो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ पड़ा है, तो इसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी तरह का फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें लेट्स से मैं ब्लैंक फॉर्म ले लेता हूँ। इसी तरह से बेसिकली बस इंटरफेस चेंज होगा और थोड़े से ऑप्शंस जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे किसी प्लगइन के अंदर, किसी प्लगइन के अंदर थोड़े कम ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप इसी तरह से लेकिन सेम काम सारे इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब मुझे एक सिंगल टेक्स्ट लाइन चाहिए तो मैं वो इस तरह से ले लूँगा। मुझे ड्रॉप डाउन ऐड करना है तो मैं इस तरह से ले लूँगा। मुझे मल्टीपल चॉइस वो ऐड करने हैं क्वेश्चंस तो इस तरह से ले लूँगा। इनको फिर मैं मज़ीद एडिट कर सकूँगा यहाँ पे देखें इनके ऑप्शंस को। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी तरह का फॉर्म बना सकते हैं। जो दूसरा प्लगइन है, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्लगइन्स नहीं सिखाऊंगा, ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि प्लगइन किस तरह से काम करता है, जिसमें आपको वो सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स बता दूंगा जो कि यूज़ होते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं उस प्लगइन के अबाउट थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। लेट्स से अब हमने WP फॉर्म्स के अबाउट देखा तो हम लिखेंगे WP फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन, राइट। किसी भी फॉर्म को, किसी भी प्लगइन के अगर आपने जानना है तो उसको इस तरह से लिखना है, उस प्लगइन का नाम, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी और उसके अंदर उस प्लगइन के अबाउट कंप्लीट लिखा होगा कि इसको किस तरह से सेटअप करना है, किस तरह से इसको कस्टमाइज करना है, किस तरह से अपनी वेबसाइट पर यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होंगी, राइट। तो दूसरा प्लगइन है वो हमारे पास है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और थर्ड प्लगइन है हमारे पास फॉर्मिनेटर। तो पहले देख लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के साथ आता है तो आपको काफ़ी कसरत से ये देखने को मिलेगा, ये वाला प्लगइन। आप इसके ज़रिए भी किसी भी तरह के फॉर्म बना सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट प्लगइन इस फॉर्मिनेटर। इससे किसी भी तरह के आप फॉर्म, पूल्स, क्विजेस बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये प्लगइन है हमारे पास फॉर्मिनेटर, इसको इंस्टॉल कीजिएगा। आप इसको, आपको यूज़ करना नहीं आता तो सिंपल सा आपने क्या करना है, फॉर्मिनेटर डॉक्यूमेंटेशन, राइट, इस तरह से लिखना है। आपके सामने उस स्पेसिफिक प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, उस डॉक्यूमेंटेशन को आपने पढ़ना है कि किस तरह से फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म फील्ड्स बनाते हैं, क्विज बनाते हैं। देखिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से यूज़ करना है इसको, राइट। ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में इन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि जो फॉर्म्स बनाने के लिए कौन से प्लगइन्स यूज़ होते हैं, इन प्लगइन्स को आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के फॉर्म्स बना के अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से जो है अपनी वेबसाइट के अंदर आप किसी भी तरह का फॉर्म बना सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट प्लगइन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।